तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सौराना अकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे CUT UG 2023 को लेकर। एक बड़ी अपडेट दी गई है UGC चेयरमैन की तरफ से, आंसर की और रिजल्ट, यहाँ परीक्षा के बाद की प्रक्रिया क्या है, तो आइए देखते हैं कि ये ट्विटर हैंडल से उनके मिला है जगदीश कुमार जी के फॉर CUT एग्ज़ाम जो है UG NTA विल सून अनाउंस जो है द डेट फॉर आंसर की। अब देखिए आंसर की के लिए जो है डेट अनाउंस की जाएगी, कब से आप चैलेंज कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कैंडिडेट जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको लगते हैं, वो कैंडिडेट चैलेंज करते हैं आंसर की को, और उसके लिए उन्हें पे करना पड़ेगा, उनके लिए फ़ीस पे करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा होता है क्योंकि गलतियां लगभग NTA कर दे और उसकी खामियां जो है उसकी खामियों को की भरपाई आप अपने पैसे से करें और फॉर्म के लिए भी पैसे दें और आंसर की को जब चैलेंज करें सही सवाल और वो संशोधन हो जाए वो सवाल आपके द्वारा बताए गए आंसर से, तो ये उसके लिए पैसा भी आपको देना पड़े, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है यहाँ पर। और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, नॉन रिफंडेबल कहा गया है और ये 27 तारीख का ट्वीट है इनका, करीब 7:19 का। तो ये आपने यहाँ पर देखा कि डिटेल्ड में चीज़ें बताई गई हैं कि जल्द ही आंसर की आएगी और जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि CUET का जो एग्ज़ाम है 2023 का, उसके बाद क्या आता है कि आंसर की आती है, उसके बाद आंसर की आएगी, आंसर की आप चैलेंज करेंगे, उसके बाद संशोधन होगा, फिर कॉपियाँ चेक होंगी, तब जाके जो है रिज़ल्ट आएगा, तब रिज़ल्ट आएगा। और रिज़ल्ट आने के बाद ये काउंसलिंग नहीं कराते अपनी, इसके लिए आपको करना क्या होगा, जब CUT 2023 का स्कोर कार्ड रिजल्ट आएगा तब आप अलग अलग यूनिवर्सिटी का जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का जो है आप अलग अलग से फॉर्म भरेंगे, उसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो यानी जैसे BHU का रनिंग में है आप फॉर्म भर सकते हैं, इस तरीके से अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके फॉर्म आप भर सकते हैं, तो ये आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ती है अलग से, क्योंकि ये कॉमन जो है काउंसलिंग नहीं कराते इस साल, अगले साल कराने का इनका विचार है, हो सकता है अगले साल ये कॉमन काउंसलिंग कराएं, तो इसलिए अभी काउंसलिंग का कोई इनका इरादा नहीं है कॉमन का। तो आप जो है फिलहाल आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी का जिसमें आपको एडमिशन चाहिए इस स्कोर के माध्यम से, उसके लिए आपको जाना होगा, अलग अलग वेबसाइट पर चेक करते रहिए, डिटेल्स भरते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो जैसे ही आंसर की अपडेट होगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, चैलेंज कैसे आप कर पाएंगे, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।